यह कुंडली एक श्रेष्ठ शिक्षा अधिकारी की है। अब इसमें कौन से योग बन रहे हैं तो देखते हैं। मिथुन लग्न होना चाहिए। ये मिथुन लग्न के बारे में बता रखा है इसमें। ये मिथुन लग्न है, ये मिथुन लग्न है। मिथुन यानी मिथुन का मतलब है तीन। यहाँ पर तीन लिखा लिखा होना चाहिए लग्न में। तीन को मिथुन कहते हैं, मिथुन राशि। तो मिथुन लग्न होना चाहिए। यदि गुरु नवम भाव में हो तो जातक शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च पदासीन होता है। इसका कारण यह है कि ऐसा गुरु केंद्रेश होकर त्रिकोणस्थ होने से कारक होगा। पंचम तथा लग्न पर समान दृष्टि डालेगा तथा गुरु होने से शिक्षा विभाग या शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च पदस्थ कराने में सहायक होगा। यहाँ पर बता रखा है ये गुरु नवम भाव पर है, तो लग्न में और पंचम में और नवम भाव में गुरु हो, यानी कि बृहस्पति, गुरु को बृहस्पति कहते हैं। तो नवम भाव में गुरु हो, लग्न भाव में और पंचम भाव में, तो व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाता है। यहाँ पर गुरु केंद्र से, यानी कि दशम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, तो यहाँ पर नवम भाव में है। अच्छा बता रखा है इसमें। तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो राजयोग देता है। पंचम भाव पर, यानी कि पांचवी भाव पर दृष्टि है, लग्न भाव पर दृष्टि है गुरु की। नवम भाव भाग्य का होता है, तो ये दशमेश भी है और सप्तमेश भी है। दशम भाव किसका है? कर्म का, कार्य क्षेत्र का, नौकरी का, राज्य का, पिता का, ये दशम भाव है। तो इसका स्वामी हो गया धनु और मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु। तो गुरु नवम भाव में ही, यानी कि केंद्रेश होकर नवम भाव में ही, तो यह व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाता है और यह राजयोग है। और नवम भाव पर है तो लग्न पर और पंचम पर दृष्टि है, तो यह भी अच्छा योग है। तो गुरु प्रसिद्धि दिलाता है लग्न में, पंचम में और नवम भाव में। और दशमेश नवम भाव में है और ये भाग्य भाव का स्वामी अर्थात नवमेश लग्न भाव में है। नवमेश हो गया शनि, तो यह लग्न भाव पर है और इसकी दृष्टि दसवीं दशम भाव पर है, तो यह अच्छा योग है। यानी कि दशमेश आ गया नवम भाव पर और नवमेश चला गया लग्न में, और इसकी शनि की दृष्टि है दशम भाव पर, तो नवमेश की दृष्टि दशम भाव पर हो गई और दशमेश नवम भाव पर आ गया, तो यहाँ पर ये अच्छा योग है। और लग्नेश और पंचमेश और चतुर्थेश का योग है, यानी कि लग्नेश चतुर्थेश हो गया बुध और पंचमेश हो गया शुक्र, तो बुध शुक्र धन स्थान पर है, तो पंचम स्थान है शिक्षा का, संतान का, बुद्धि का, शिक्षा संतान बुद्धि ज्ञान पूर्व जन्म इत्यादि का है पंचम भाव। तो पंचमेश और लग्नेश, लग्न भाव है शरीर का स्वयं का, तो लग्नेश और पंचमेश का संबंध है, चतुर्थेश का भी संबंध है। तो लग्नेश पंचमेश का संबंध होने से व्यक्ति शिक्षा में रुचि रखेगा, व्यक्ति की शिक्षा में रुचि होगी, क्योंकि यह स्वयं का भाव का स्वामी है बुध और शिक्षा का स्वामी हो गया शुक्र, तो यह दोनों योग बन रहा है धन स्थान पर। धन भाव का स्वामी सप्तम भाव पर है और नवमेश लग्न में है, तो इन दोनों की दृष्टि प्रतियोग बन रहा है, तो आपस में संबंध बन रहा है। सातवीं दृष्टि इस पर पड़ रही है और इसकी सातवीं दृष्टि इस पर पड़ रही है, यानी कि शनि की चंद्र पर, चंद्र की शनि पर दृष्टि पड़ रही है सातवीं, तो इसे प्रतियोग कहते हैं। तो इनका संबंध हो गया, तो धन का संबंध हो गया और भाग्य का संबंध हो गया, भाग्य से धन मिलेगा, और ये सूर्य तृतीय हो गया। और यहाँ पर मंगल लाभे से, लाभ भाव का स्वामी है मंगल, तो यहाँ पर तृतीय भाव में है। और दशम भाव का स्वामी अर्थात नौकरी, कार्य क्षेत्र, कर्म, राज्य का, तो यहाँ पर गुरु नवम भाव पर है, तो इन दोनों का भी संबंध बन रहा है सातवीं दृष्टि से प्रतियोग से, गुरु का और मंगल का। मंगल हो गया लाभ का और गुरु हो गया नौकरी का, पिता का, राज्य का, कर्म का, तो इन दोनों का सातवीं दृष्टि संबंध बन रहा है, तो यह भी अच्छा योग है। तो नौकरी से लाभ मिलेगा, राज्य से लाभ मिलेगा इत्यादि।